हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 12, पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो इसमें से हम पहले आज हम सीखेंगे पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो स्टूडेंट आप ये जान लो, समझो, आज हम सुन रहे पेरीमीटर, समझो हमारे पास ये सर्कल है, राइट। तो सर्कल की ये जो ये होती है ना, एज होती है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अगर ये मैंने एक सर्कल जैसे रिंग बनाई है वायर की, अगर हम इसको अभी खोलेंगे, देखो मैंने इसको खोला है, और इसको अगर और हम इसको मेजर करेंगे, तो जो ये इसका मेजरमेंट हमें मिलेगा वो होगा उसका पेरीमीटर, ये होगा उसका पेरीमीटर। ये हमने क्या किया, इसकी एज क्या की, खोली और इसको हमने मेजर करके देखा। तो इसका मेजरमेंट लेने के बाद जो भी मेजरमेंट मिलेगा वो होगा उसका पेरीमीटर, समझ में आए। वैसे अगर मैं इसको स्क्वायर शेप में इसको बनाऊँ, कौन से भी शेप में बनाऊँ, उसका पेरीमीटर वही होगा। जैसे हमने अभी स्क्वायर बना रही हूँ मैं, ओके सॉरी, इधर बनाती हूँ वापस। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है, इसका अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, अगर इस स्क्वायर की ये जो साइड है 4 सेंटीमीटर होगी, स्क्वायर के सब साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। तो अगर हम इस स्क्वायर की पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, तो हमें क्या करना होगा, इस सारे साइड की क्या करने पड़ेंगी, एडिशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, the sum of the length of all 4 sides of the square, perimeter of square is equal to the sum of the length of all 4 sides of the स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सारे साइड के क्या करनी पड़ेगी हमें, सम मतलब एडिशन। तो 4 + 4 + 4 इज इक्वल क्या आएगा, 4 + 4 8, 8 + 4 कितने आते हैं, 12, 12 + 4 16, मतलब 4 4s करना है 16। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर ही लिखना है, अगर ये मीटर में होगा तो मीटर लिखना है, ओके। वैसे ही रेक्टेंगल का निकालना होगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसका अगर हमें निकालना होगा, इसका समझो अभी रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, मैंने फर्स्ट लेसन में ये सब सिखाया है। तो समझो इसका 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेड थे वो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। तो इसका भी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 sides ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर क्या आएगा, 6 + 6 + 3 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 + 6 = 12, 12 + 3 = 12, 13, 14, 15, then 16, 17, 18 सेंटीमीटर।
और वैसे हमें अभी ट्रायंगल का निकालना है। ये एक मैं ट्रायंगल लिखती हूँ, तो इस ट्रायंगल का हम क्या करेंगे अभी, इसके हम ट्रायंगल के अलग अलग साइज़ है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इसका लिखते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ, यहाँ पे 3 साइड्स है, थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी यहाँ पे 4 साइड्स थे, अभी ट्रायंगल के तो 3 साइड होते हैं, तो 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल करने का, तो यहाँ पे आएगा। अभी इसके साइड्स कौन से है, 2, 3 एंड 5, अभी इसके एडिशन करो, 2 + 3 5, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ऐसे हमें निकालना है, ये उनके एक प्रकार के फॉर्मूले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको दिया है एक्सरसाइज में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। अभी आपको क्या करना है, ये क्या है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबके क्या करनी पड़ेगी एडिशन, जैसे 4 + 4 8 एंड 1 + 1 2, 8 + 2 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। ऐसे आपको सारे फिगर्स के निकालना है। यहाँ पे आपको दिया है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 150 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर एंड 120 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते समय द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे लिखो, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, और फिर उन सबकी आपको एडिशन करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक पेरीमीटर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम एरिया सीखेंगे, तो तब तक के लिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू।